इसके लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। इसमें लिखना है WSA builds, ठीक है, ये लिखना है और इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें जो पहली वेबसाइट आ रही है गिट हब की आ रही है, इसमें ही आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ये मैंने स्क्रॉल कर दिया और नीचे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर विंडोज 11 और विंडोज 10 दो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से यदि आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप 10 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर विंडोज 10 64 बिट को क्लिक करना है, ठीक है। मैं विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ इसलिए विंडोज 11 64 बिट में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा दूसरा पेज जो है वो ओपन हो गया है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आते हैं कि हमको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं WSA बिल्ड जो लेटेस्ट वाला है, हम इसे डाउनलोड में क्लिक कर देते हैं। ये मैंने इसमें क्लिक कर दिया, ये डायरेक्टली ही डाउनलोड होने लगेगा, इसलिए मैंने कहा कि डाउनलोड में क्लिक करते हैं। ये देखिए डाउनलोड का जो ऑप्शन है इसमें हम क्लिक कर देंगे, डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इस ब्राउजर को क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया। इसको क्या करते हैं, ओपन फाइल लोकेशन, हाँ इसको हम यहाँ से अब मूव कर लेते हैं, ये मैंने मूव कर लिया, ये देखिए, ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। अब ये जो फाइल है हमारी इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये जो विंड्रॉर का ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक कर देंगे और फिर ओके में क्लिक कर देंगे। ओके में क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइलें हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, हमें ओपन डायरेक्टली ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ओपन करने में कुछ एरर वगैरह आती है, ठीक है। अब ये जो फोल्डर आया है इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में हमको एक फाइल है जो कि रन नाम की होती है, उसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमें फाइल मिल गई रन नाम की, जो फाइल है इसमें हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करते हैं तो यस या नो पूछता है, यानी परमिशन मांगता है, तो हमें यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे द ऑपरेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। कह रहा है इनेबल विंडोज ऑपरेशन फीचर वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ठीक है, रनिंग। थोड़ा सा वेट कर ले रहे हैं, ये अभी वर्किंग में है, इसे कर देते हैं क्लोज। कह रहा है वार्निंग नीड रिस्टार्ट टू इनेबल वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, प्रेस वाई टू रिस्टार्ट एनी की टू एग्जिट, ठीक है, हम एग्जिट कर लेते हैं अभी। और इसके बाद में आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है और यहाँ पर फीचर्स को सर्च करना है। ये देखिए टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद में आपको श्योर करना है कि आपके सिस्टम में जो फीचर्स हैं उसमें से ये फीचर इनेबल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, ये तो मेरा इनेबल है। दूसरा नंबर है विंडोज हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, इसे भी आपको इनेबल कर लेना है। और तीसरा होता है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, ठीक है, आपको इसे भी इनेबल करके रखना है और ओके में क्लिक कर देना है। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्टार्ट करने के लिए आ गया है, तो हम रिस्टार्ट नाउ में अब क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब चलिए मैं रिस्टार्ट में क्लिक कर रहा हूँ, तो दोस्तों हमारा जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है और यहाँ सर्च करना है प्ले स्टोर, ठीक है, ये आ गया हमारा, देखिए प्ले स्टोर शो हो रहा है। अब इसमें ओपन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप फेसबुक जो भी चीजें हैं सारी की सारी शो हो गई हैं। और लेकिन हो सकता है कि आपके उसमें शो ना हो, मैंने इसमें अपनी जीमेल आईडी लॉगिन कर रखी है, ये देखिए। और आपको क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी से इसमें लॉगिन कर लेना। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे ना प्ले स्टोर में आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा, तो आपको क्या करना है सिंपली जो है लॉगिन में क्लिक करना है और इसे लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके उसमें ये जो एप्लीकेशन है वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।